सतरामपुर तालुकाना मानगढ़ धाम खाते योजायेला भील प्रदेश सांस्कृतिक महासंमेलन में केन्द्र सरकार द्वारा सूचित यूटीसी कायदा में आदिवासी ग्राम समाजजनों माटे समावेश नहीं कराता तेमज आदिवासी माटे भील प्रदेश पण आपवामां आवे तेवी मांगणी कराई हती। संतरामपुर तालुकाना मानगढ़ गाम खाते आदिवासी समाज द्वारा भील प्रदेश सांस्कृतिक महासंमेलन आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ संमेलन में गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आदिवासी समाज अग्रणीओ तेमज धारासभ्य उपस्थित रह्या हता। आ संमेलन में हाथ धारासभ्य चेतर वसावा सहित अग्रणीओ पण उपस्थित रह्या हता। आ भील प्रदेश सांस्कृतिक महासंमेलन में आदिवासी समाज द्वारा यूसीसी कायदा में आदिवासी ने बाकात रखवा माटे तेमज भील प्रदेश ने मांगणी करवामां आवी हती। एक घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कई सारे लीडर्स और वक्ताओं ने कई सारा भाषण दिया, स्पीच अपनी बात यहाँ से रखी है, तो सबने कहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। सही बात है, आदिवासी ही देश का मालिक है, मगर दुख की बात यह है आज आदिवासी समाज में इतनी जागरूकता नहीं है। इसकी वजह से ही आज हमारे संवैधानिक बड़ा राष्ट्रपति जी को संसद के उद्घाटन में बुलाया नहीं जा रहा है। दुख की बात यह है आज हमारे राष्ट्रपति आदिवासी होने के नाते उसको मंदिर में जगतनाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आज मूल मालिक के सिर पर मुतके मूत्र विसर्जन करके उसका एंजॉय किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज देश का आदिवासी समाज अभी तक जागा नहीं है, सो रहा है। मैं आज ज्यादा भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। मैं पिछले दो बार यहां आ चुका हूं, तीसरी साल भी आया था, इसके आगे के साल भी यहां मैं आया था, इसी कार्यक्रम में बैठे थे। तो मैं आदिवासी परिवार के संस्थापक भंवरलाल दादा कांति आदिवासी और उनकी साथी टीमों को अभिनंदन देने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश से जयेश की टीम है, उनको अभिनंदन देने के लिए आया हूं कि दादा ये लड़त सिर्फ राजस्थान मध्य प्रदेश की नहीं है, गुजरात में भी कई साथी ये चला रहे हैं आदिवासी परिवार को। हम तो ये सोच रहे हैं आने वाले दिनों में पूरे दक्षिण गुजरात में भी आदिवासी परिवार आए और पूरे देश में आदिवासी परिवार का भील प्रदेश का झंडा लगना चाहिए। पूरे देश को आदिवासी परिवार की जरूरत है। जब मैं पहली बार चुन के एमएलए बन के गांधीनगर गया, प्रेस मीडिया ने मुझे पूछा कि चेतर भाई आपका पहला प्राधान्य कौन सा होगा। मीडिया को मैंने बोला हम भील प्रदेश बनाने की काम करेंगे। बोले ये भील प्रदेश क्या? मीडिया बोले ये भील प्रदेश क्या? मैंने बोला हमारा स्वायत्त राज्य, हमारा पानी।